प्रूव केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या फिर क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट, एक ही बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा, लिख लो, इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल लिखो, या क्वेश्चन आएगा जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम दो। अब ये पहचानना बड़ा मुश्किल है पेपर में कि कौन सी डेरिवेशन आ गई। अब कई टीचर सीधा डाल देते हैं गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये ज्योमेट्री से समझाओ, एंगुलर मोमेंटम की कोई एप्लीकेशन बताओ, और एप्लीकेशन यही है एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट। और कई अच्छा क्वेश्चन डालते हैं कि बाई यूजिंग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। अब मर्जी है उसकी क्या डालेगा। तो लिख लो यहाँ पर, इसको करने का तरीका देख लो। सबसे पहले लिख देना फॉर अर्थ और एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो एल इज अ कॉन्स्टेंट, ये लिख देना। लिख दिया, क्लियर कर दिया। अब आप एक फिगर बनाना जिसके अंदर सिंपली, आप ये भी मत बनाना, नहीं चाहिए हमें, आर वेक्टर एक प्लैनेट एरिया स्वीप कर रहे हैं, मान लो अर्थ एरिया स्वीप कर रही है, ये आर वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है डेल्टा आर वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, क्रॉस इसलिए क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, डेल्टा आर इज अ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट लगा के यहाँ पर डेल्टा ए वेक्टर आएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया वेक्टर आ गया विद वेक्टर, वेक्टर मत लगाना भूलना और क्रॉस भी लगाना, दोनों तरफ डी बाई डी टी या डेल्टा टी कर देना दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आ गई एरियल वेलोसिटी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है, वी वेक्टर होता है। एक काम करना, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यहाँ एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, एम इंटू वी क्या है पी वेक्टर, आर क्रॉस पी क्या है एल वेक्टर, घूमते हुए प्लैनेट का एल इज अ कॉन्स्टेंट, एम एंड टू इज अ कॉन्स्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, ये करके आना है। पी वाई क्यू चेक कर लेना मेंस के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब घुमा के पूछा हुआ है, एरियल वेलोसिटी का ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ऑप्शन नंबर ए, एल बाय 2m, एल बाय 3m, एल बाय 4m, एल बाय 5m। अब जिसने तो ये कर रखा है उसको तो याद है एल बाय 2m फॉर्मूला, ठीक फॉर्मूला याद कर लेना। अब एक बात बताओ, अगर मान लो अर्थ घूम रही है, ये देखो अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो एल वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर, चार फिंगर ये देखो ऊपर, एल वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, ऊपर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस डायरेक्शन में एल वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो कभी एरिया वेक्टर निकालना पड़ जाए तो कुछ ना करना, बस ये पूछना कि बॉडी कैसे घूम रही है, चार फिंगर घुमा देना, वही एल वेक्टर है वही एरिया वेक्टर है, सेम रूल है, क्योंकि एरिया वेक्टर और एल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर ओमेगा पता है तो एल और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में कर लेना। तो ये आपका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन।